वो बांग्लादेश जिसने हमारी एसी की तैसी करके रख दी थी, उस बांग्लादेश को इंडिया के अश्विन ने धूल चटा के रख दिया। इंडिया वाकई भाई क्रिकेट का बाप है भाई, 144 पे 6 विकेट गिर जाती है इंडिया की, उसके बाद भाई 339 रन पे पहुंचा देते हैं इंडिया के भाई स्पिनर, बताओ पार्ट टाइमर भाई। ये है भाई साहब आज की ट्रीट, ये सब देखने आए। विराट कोहली की 81st सेंचुरी होगी नहीं होगी, कप्तान रोहित शर्मा क्या करेगा नहीं करेगा, रविचंद्रन अश्विन ने बोला ये लो मुद्दिया तुम्हारी सारी 6 विकेटों के ऊपर। उन्होंने ये नहीं बोला कि बाबर आजम नहीं चला तो बाकी क्या करेंगे, उन्होंने ये नहीं बोला कि विराट कोहली नहीं चला तो बाकी क्या करेंगे, अश्विन तो बॉलर है, जडेजा तो बॉलर है। आप टेस्ट रैंकिंग देखिए आपने आईसीसी की, उसमें नंबर 1 ऑलराउंडर जडेजा है और नंबर 2 कौन है, अश्विन। आपने टेस्ट रैंकिंग बॉलिंग की देखी है, उसमें नंबर 1 कौन है, अश्विन। 7 पर है जडेजा। ऐसा फेटा लगाया तोबा 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 तोबा, सवाब समझ के मारा है भाई साहब। नहीं इतना कोई किसी को ठोकता, मुझे बता दो आप लोग। और यही वो टीम है जिसका कप्तान ये कहता है कि हारे की ख्वाहिश होगी भारत को हराना। बातें करने दो, काम तो अमल से होता है। बातें फेलते हो तुम लोग के भाई, हम दुनिया की नंबर 1 टीम है, कहां पे हो टीम नंबर 1, ये नंबर 1 देख लो किस तरह बांग्लादेश को पूरा दिन डोमिनेट किया, पार्ट टाइमर ने डोमिनेट किया भाई। भाई अश्विन और जडेजा ने वो छठी का दूध याद दिलाया, वो मेदी हसन, वो शकीब उल हसन, मतलब के जिन्होंने पाकिस्तान के बॉय बैट्समैनों की नाक में दम करके रखा हुआ था। मैं कहता हूँ बर्बादी उन्होंने लॉन्च किया, मैंने तो उनका जब स्क्वाड देखा 15, शुभमन गिल, जायसवाल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, केएल राहुल, इन सब बल्लेबाजों को घर भिजवाने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि शांतु कहीं से शांत हुए होंगे। दोस्तों आज आर अश्विन और जडेजा ने बांग्लादेशी जिहादियों की ऐसी धुन आई कि उन्हें उनकी औकात याद आ गई। टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले बांग्लादेशियों ने बड़ी बड़ी फेंकी थी, लंबी लंबी हाकी थी कि हमने जिस तरह पाकिस्तान को उसी की धरती पर घुसकर हराया था उसी तरह हम भारत को भी भारत में जाकर हराएंगे और सीरीज को 2-0 से जीतेंगे। लेकिन बांग्लादेशियों के सामने आ गए जडेजा और अश्विन। दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया पहले दिन के टेस्ट के बारे में क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। बांग्लादेशी बॉलर तैयारी करके आए विराट के ऊपर, रोहित के ऊपर, शुभमन गिल के ऊपर, ऋषभ पंत के ऊपर, केएल राहुल के ऊपर, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ गया लोकल बॉय अश्विन अन्ना और साथ में एक और लोकल बॉय है तो वो गुजरात का, लेकिन यहाँ लोकल उसको इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि सीएसके की तरफ से रविंद्र जडेजा ने बहुत क्रिकेट खेली है, सो वो भी यहाँ का सेमी लोकल बॉय है। तो दोनों लोकल बॉयज ने ऐसा फेटा लगाया तोबा 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 तोबा, सवाब समझ के मारा है भाई साहब। मतलब एक होती है इंटेंट, विकटे गिरी हुई है, बांग्लादेश यहाँ पे हावी हो गया है, आपके बल्ले बड़े बल्लेबाज विकटे देके चले गए, ये 160 के ऊपर 6 विकेट गिरा देने वाली विकेट नहीं थी, कंडीशंस फेवरेबल जरूर थी, लेकिन उसके बाद रविचंद्रन अश्विन निकल के आता है, इधर चौका उधर चौका, मिड विकेट पे छक्का, कवर्स में चौका, ये स्क्वायर कट्स भाई साहब। गौतम गंभीर भी बोलता है ये कौन क्या हो रहा है भाई साहब, हम तो ताली बजाने बैठे थे कि मेन बल्लेबाज आके यहाँ स्ट्रोक प्ले करेंगे और हम उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अश्विन अन्ना ने बोला रुको भाई साहब, मैं साइंटिस्ट भी हूँ, मैं चेस प्लेयर भी हूँ, मैं यूट्यूबर भी हूँ, मैंने वो जो एमसीसी की लॉ बुक है उसको भी रटा हुआ है, मैं बॉलर भी हूँ, मैं बैटर भी हूँ, मैं ऑलराउंडर भी हूँ, मैं हर चीज हूँ। 146 for 6, 146 पर 6 खिलाड़ी आउट, यानी शुभमन गिल, जायसवाल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, केएल राहुल, इन सब बल्लेबाजों को घर भिजवाने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि शांतु कहीं से शांत हुए होंगे। और अगर आपको ये लग रहा है कि रविचंद अश्विन या जडेजा आउट ऑफ नो वेयर आउट ऑफ सिलेबस टिके और इतने रन किए तो आपकी गलत फहमी है। मुझे है कि ये दो अच्छे बल्लेबाज भी हैं अच्छे बॉलर के साथ, मुझे ऐसा क्यों है और मुझे लगता है कि शांतु को भी बिलीव ये ज़रूर होगा कि ये जब तक विकेट पे हैं इनको जल्दी ठिकाने लगाना पड़ेगा, जो कि नहीं लगा पाए ऑफ कोर्स, और जो कमाल बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों ने, खैर जडेजा को सब पहले भी मानते हैं, क्रुशियल स्टेज के ऊपर भी वो अच्छे बल्लेबाजी किए हैं, भले वो वर्ल्ड कप हो, कोई सीरीज हो, कोई टफ टीम हो, सबके खिलाफ अच्छे रन करते रहे हैं, मगर अश्विन को शायद बहुत से लोग जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो मानते हैं कि अश्विन बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, मगर शायद किसी को भरोसा ना हो, बट मुझे क्यों है। आप टेस्ट रैंकिंग देखिए आपने आईसीसी की, उसमें नंबर 1 ऑलराउंडर जडेजा हैं और नंबर 2 कौन है, अश्विन। आपने टेस्ट रैंकिंग बॉलिंग की देखी है, उसमें नंबर 1 कौन है, अश्विन। 7 पर है जडेजा, यानी ऑलराउंडर की जो पूरी सिफ्त होती है, जो क्वालिटी होती है, एटलीस्ट वो जडेजा के ऊपर तो पूरी उतरती है, बट अश्विन के ऊपर भी उतरती है। आप लोकल रीजनल जो टूर्नामेंट भारत के अंदर होते हैं उसमें टॉप ऑर्डर पे भी खेल लेते हैं अश्विन,
और अच्छी खासी बैटिंग करते हैं, ये नहीं कि मतलब खाली पिली है, टेस्ट के अंदर खाली पिली नहीं चलता है, और फ्लूक नहीं आया, आई डोंट थिंक सो कि कहीं से भी फ्लूक है। हाँ ये कह सकते हैं कि आगाज बहुत अच्छा किया बांग्लादेश ने, बट यही डिफरेंस होता है एक बड़ी टीम में छोटी टीम में, कि बड़ी टीम यू नो के आगे तक रुकती है पूरा पूरी तरह से, जब किसी टाइम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की टीम हुआ करती थी कि आप चार पांच बड़े बल्लेबाज आउट कर लेते थे, पांच छठे नंबर पे आप गिलक्रिस्ट खेल लेते थे, अगर चाहे गिलक्रिस्ट वाली बात नहीं है बट उनके नीचे से कई कहा कोई ना कोई साइमन एंड्रू साइमन खड़े हो जाते थे, वो भी ऑलराउंडर वो करते थे, तो वो टाइम पीरियड ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड इंडिया के ऊपर वो चल रहा है। मिसाल के तौर पर अगर यही सूरत हाल पाकिस्तान की होती तो आप देखिए ना कि पाकिस्तान का कोई मतलब एक ऑलराउंडर आपको बिलीव है कि इतनी लंबी इनिंग खेल पाता, लाइक हमारे सलमान आ गए, आई डोंट थिंक सो कि वो ऑलराउंडर हैं, बट वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, इतनी लंबी बारी ले लेते हैं उनके साथ खड़ा होकर कोई स्पिन बॉलर इतनी बड़ी बारी ले, शायद मुश्किल था। यही वजह है कि हम 2-0 से हारे। आप यही सिचुएशन देखिए बांग्लादेश पाकिस्तान में खेल रही थी, उनके 26वें 6 ओवर थे, मिराज और उनके बल्लेबाज जो थे वो लिटन दास वो टिके और अच्छे खासे उन्होंने रन किया, पाकिस्तान वो मैच हारा था 26 पे 6 आउट करने के बावजूद। अब इंडिया एक बड़ी टीम है, आप ये नहीं कह सकते कि 6 खिलाड़ी आउट कर दिए बस आप सुकून ले लें, आप सुकून तभी लेंगे जब उनके सारे के सारे घर पहुंचे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 146 पर 6 आउट करने के बाद बिल्कुल शांत हो जाए कि लो जी आज का दिन तो हो गया ना, अब हमने रन कितने करने हैं, बस ये सोचने, आई डोंट थिंक सो कि शांतु के माइंड में कहीं से भी ऐसा आया हो। मतलब अपना 157 क्या कहते हैं अपना रविचंद्रन अश्विन फर्स्ट क्लास मैच खेल रहा है, अपना 101 टेस्ट मैच खेल रहा है, लेकिन स्पिरिट जो है ना वो अभी भी स्काई रॉकेट हाई है। 5 टेस्ट मैच में ऑलरेडी सेंचुरी थी और आज जो सेंचुरी बनाई है ना भाई साहब, मतलब फ्रंट फुट पे आके बंद करके बांग्लादेश को बोला आ जाओ भाई साहब, जितना तुम्हारा मोमेंटम है तुम्हारा जो मतलब पिछली इनिंग्स में ऐसा लग रहा था बांग्लादेश ऑन द रोल, अब इस इनिंग्स के बाद ऐसा लग रहा है बांग्लादेश हैज बीन रोल्ड, बांग्लादेश भी सोच रहा होगा कि हमारे ऊपर तो वही होगी जो हम पाकिस्तान में लतन दास और मेहदी मराज पाकिस्तान के साथ करके आए थे, ये तो उल्टी हमारे ऊपर ही पड़ गई, और वो भी रविंद्र जडेजा रविचंद्रन अश्विन जिस इंटेंट के साथ निकल कर आए हैं, जिस बहादुरी के साथ निकल के आए हैं कि उन्होंने इस चीज को एक दफा फिर साबित कर दिया, द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज टू अटैक, ना अपने शेल में गए ना उस प्रेशर में आए, जो दोनों को एक्सपीरियंस है, ये इंडिया के दो ट्रस्टेड ऑलराउंडर्स हैं, ये बॉलिंग की बात कर लें, बैटिंग की बात कर लें, कि डेडिकेशन की बात कर लें, हाउ दे हैव बीन थ्रोइंग देमसेल्फ इनटू द फील्ड फॉर देयर नेशन, इट हैज बीन एन एब्सोल्यूट एग्जेम्पलरी करियर इन फ्रंट ऑफ एवरी वन ऑफ अस। तो कमाल भाई साहब, लफ्जों की कमी हो जाती है जब इस तरह की क्रिकेट आपके सामने खेली जाए। रविंद्र जडेजा भी सिर्फ 14 रन पीछे है 117 बॉलों में 86 रन 73 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन भाई साहब आज ऐश बॉल जो आपने देखी है, मतलब 91 के स्ट्राइक रेट से 112 बॉलों पे 102 रन 2 छक्के 10 चौके। दोस्तों आज पहले टेस्ट के पहले दिन जब भारतीय बल्लेबाज क्रीज पर उतरे तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि भारतीय बल्लेबाज इतनी आसानी से आउट हो जाएंगे, और एक समय पर भारत ऐसा लग रहा था कि 200 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। बांग्लादेशी गेंदबाजों ने ऐसी घातक गेंदबाजी की कि भारत के 6 विकेट मात्र 146 रनों पर ही गिर गए थे, लेकिन फिर आए जडेजा और अश्विन जिन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए लगभग 100 के स्ट्राइक रेट से रन बटोरे और बांग्लादेशी गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि अब उन्हें सपने में विराट कोहली की जगह आर अश्विन और जडेजा नजर आएंगे। दोस्तों ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने अपना शतक ठोका और रविंद्र जडेजा भी अपने शतक की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों बांग्लादेशी तैयारी करके आए थे विराट कोहली और रोहित शर्मा की, लेकिन रविंद्र जडेजा और आर अश्विन आउट ऑफ सिलेबस आ गए और अब बांग्लादेशी अपना सिर पीट रहे होंगे कि हमने इनके खिलाफ कोई रणनीति क्यों नहीं बनाई। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।